आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में आपको सुनाएंगे निर्जला एकादशी व्रत की कथा। इस साल 31 मई को निर्जला एकादशी है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी के व्रत को सबसे कठिन और पुण्य फलदायी बताया गया है। इस व्रत में जल का त्याग करना पड़ता है। इस दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि मात्र इस एकादशी को कर लेने से साल भर की एकादशियों के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने और निर्जला एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए अब सुनते हैं इस व्रत की कथा। कथा सुनने से पहले सभी अपने हाथों में अक्षत और पुष्प अवश्य ले लें। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बता रहे थे, उस समय जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, आप ज्येष्ठ मास की एकादशी का जो फल और विधान है वो बताइए, तब युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन तुमने सुन लिया है, अब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का कैसा प्रभाव है वो शास्त्र और धर्मों के ज्ञाता वेद व्यास जी से सुनो। तब वेद व्यास जी ने कहा, हे कुंती नंदन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा गया है। इस दिन आत्मन और दंत धावन यानी कि दांत साफ करने के अलावा अन्य कार्यों के लिए मुंह में जल नहीं लेना चाहिए, इससे ये व्रत भंग हो जाता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तब भीमसेन जी व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। तब इस पर भगवान व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता, यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, भोजन करने से वो शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना रहना कठिन है, अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब भगवान श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में
दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। तब व्यास जी के वचन सुनकर भीम से नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब क्या करूं? मास में दो व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। ये बात सुनकर के भगवान व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है, तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो मद्यपान के सदस्य हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से वो व्रत नष्ट हो जाता है। यहाँ पर मद्यपान का मतलब विस्की पीने से है और मासे से मतलब है कुछ बूंदे जल की। यदि इससे अधिक जल होगा तो वो विस्की पीने के बराबर हो जाता है। आगे भगवान व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते हैं, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार से व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वो चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गौदान, फिर ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा
देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र उपाहन यानी कि जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कथा संपूर्ण होती है। अपने हाथों में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान के आगे धरती पर रखकर भगवान को प्रणाम करें। आपको बता दें, आज के दिन चावल का प्रयोग अक्षत के रूप में नहीं करना है, उसकी जगह पर आप तिल का प्रयोग करें, वो श्रेष्ठ माना जाता है। और दोस्तों, इस कथा से ये निष्कर्ष निकलता है, केवल इस कथा को सुनने मात्र से ही पापों का नाश होता है और किस प्रकार के व्रत नियम का हमें पालन करना चाहिए, किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, किस प्रकार इस दिन रहना है, इन सब का ज्ञान इस एकादशी कथा को पढ़ने से पता चल जाता है। तो सभी एकादशियों में श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये समस्त पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। और आपसे इस पोस्ट से अब हम आज्ञा लेते हैं, आपसे फिर मिलेंगे नई पोस्ट पर। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार।